Hey guys, what's up? My name is Rajat. Welcome back to my channel VFX World. दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर है, एलिमेंट्री टेक्स्ट एनिमेशन, और दावे के साथ कह सकता हूँ मजा आ जाएगा देख के. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, सो राइट नाउ वी आर इन आफ्टर इफेक्ट्स. जैसा आप देख सकते हैं ये थोड़ा ओल्डर वर्जन है क्योंकि इसमें कैमरा कंट्रोल्स थोड़ा इजी है. ओके, सो दिस इज माय फाइनल आउटपुट जैसे आप देख सकते हो, और ये बहुत ही अमेजिंग है, आप इसको क्रिएट कर सकते हो. ओके देन, सो स्टार्टिंग विद टेकिंग अ न्यू कॉम्प. सो यहाँ पे हम लेते हैं एक ट्यूटो और रेजोल्यूशन सेम, ओके पे कर देते क्लिक. अभी हम यहाँ पे लेने वाले हैं एक टेक्स्ट को, और यहाँ पे मैं फिलहाल टाइप करने वाला हूँ हेक्सागॉन कुछ ऐसे, और ये आ गया मेरा हेक्सागॉन टेक्स्ट. ओके, आफ्टर दैट राइट क्लिक न्यू सॉलिड, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हेक्स एंड देन ओके. एफएक्स कंट्रोल्स, यहाँ पे हम टाइप करेंगे सीसी हेक्स. सो यहाँ पे एक आएगा सीसी हेक्स स्टाइल्स ड्रैग एंड ड्रॉप, यू कैन सी दिस. ओके, आफ्टर दैट हमको यहाँ पे रेडियस को कर देंगे हम 25, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे छोटा, लेट्स मेक इट टू 20. ओके, आफ्टर इसको नन से हम कर देंगे अल्फा मैट. तो अभी आप देख सकते हो जो हेक्सागन का शेप है वो इसके अंदर आ चुका है. अभी आप चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हो, लाइक 15 or 10, सो ये और थोड़ा डेंस हो जाएगा, बट इतना इट्स फेयर इनफ. ओके, राइट आफ्टर दैट सिलेक्ट एवरीथिंग, राइट क्लिक प्री कंपोज, यहाँ पे हम लिख देते हैं हेक्स अंडरस्कोर कॉम्प. That's it. Move all attributes and then okay. इसके बाद हम जाएंगे layer and then auto trace. यहाँ पे आपको by default ऐसे मिलेगा. By chance अगर आपका ये luminance पे select हुआ तो आप इसको simple alpha पे change करो और then apply और फिर okay. अभी आप देख सकते हो एक mask इसके according create हो गया है. Very nice. अभी अपने को इसको करना है off. Now you need to take a new element 3D layer. So right click new solid E3D and then ओके, देन राइट क्लिक वीडियो को पायलट एलिमेंट. इसके बाद कस्टम लेयर्स एंड देन कस्टम टेक्स्ट एंड मास्क, फ्रॉम हियर सिलेक्ट एक्स कॉम्प, सोर्स को कर देंगे इफेक्ट्स एंड मास्क क्योंकि वी आर यूजिंग दिस मास्क. इसके बाद सीन सेटअप पे जाएंगे. अभी एलिमेंट 3D के अंदर सीन सेटअप में पहले करेंगे एक्सट्रूड पे क्लिक. सो आप देख सकते हो हेक्सागन जो शेप है यहाँ पे आ गया है, बट यहाँ पे कोई गैप्स आपको नहीं दिख रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पे मॉडल सेंटर से कर देंगे बॉटम, तो ये आ गया बॉटम पे. नाउ सिलेक्ट दिस बेवल, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा बेवल का डिटेल्स. तो बेवल साइज को मैं कर देता हूँ पॉइंट लेट्स से 25. तो अभी बेवल का साइज जो थोड़ा छोटा हो गया है, एंड देन बेवल जो एजेस है मैं इसको कर दूंगा -0.25. तो अभी क्या होगा, इसके बीच में आपको ये गैप्स दिखने लगेगा. नाउ यू कैन सी द बेवल्स आर वेरी स्मूथ. तो मैं यहाँ पे बेवल कर्व को जो है 0.15 कर देता हूँ, तो अभी वेरी शार्प हो गया है. सो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे. ओके, इसके बाद हम बैक साइड में बेवल को जो है ऑन कर देंगे. सो बैक बेवल ऑन, दैट्स इट. अभी आते हैं मटेरियल पे. तो आई हैव वन मटेरियल, सो एलिमेंट 3D मटेरियल पैक्स, ये यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स आपको मिलेगा. सो मैं यहाँ पे सिंपल ब्लू लाइट जो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा. नाउ आई वॉन्ट दिस मटीरियल थोड़ा डिफरेंट वे में. सो सिलेक्ट करते हैं मॉडल को एंड देन यूवी मैप, यहाँ पे बॉक्स प्रिजर्व से हम कर देंगे प्लेन YZ. अब देख सकते हो सडनली ये स्नैप होके थोड़ा चेंज हो गया है. गॉट इट. नाउ अभी हम थोड़ा सा इसका जो ऑफसेट है यूवी ऑफसेट, इसको थोड़ा सा ऐसा आगे कर देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो हल्का सा एक ब्लू हाइलाइटेड पार्ट पीछे आ गया है. सो इट विल क्रिएट सम रियली गुड ल्यूमिनेंस, जो भी अब इसको जब ब्रेक करोगे तब क्रिएट होगा. ओके, राइट आफ्टर दैट हम इसका जो रिफ्लेक्टिविटी मॉडल्स है इसको कर देंगे स्फेरिकल, क्योंकि जब मॉडल्स ब्रेकआउट होगा तो एक दूसरे के साथ वो रिफ्लेक्शन में हेल्प करेगा. अभी क्रिएट करते हैं इसका ग्राउंड. सो क्रिएट ए ग्राउंड हियर. इसका जो साइज है हम कर देंगे 1000, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. अभी जो हेक्सागन मॉडल है इसको हम कर देंगे थोड़ा छोटा, क्योंकि ये एनिमेशन जब होगा तो बहुत बड़ा दिखेगा. तो ये हो गया हमारा छोटा हेक्सागन मॉडल. अभी जो प्लेन मॉडल है इस पर हम डालने वाले हैं अपना मटेरियल. आई हैव वन मोर मटेरियल हियर. सो मैं यहाँ पे जो है अपना मेटल मॉडल पे जाएंगे, और यहाँ पे मेरे पास एक क्लिप 1ID नाम से मटेरियल है जो थोड़ा पैचेस्ड है. तो अगेन हम यहाँ पे इसका यूवी मैप पे जाएंगे, और यूवी मैप से हम कर देंगे बॉक्स रिपीट. अभी यूवी रिपीट को हम कर देंगे 5x5. तो अभी आप देख सकते हो थोड़ा ये डेंस हो गया है मॉडल. अभी इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे मटेरियल को, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे, मैट शेडो एंड मैट रिफ्लेक्शन को कर देंगे टर्न ऑन, सिलेक्ट करेंगे मॉडल को, इसका रिफ्लेक्टिविटी को कर देंगे मिरर सरफेस. तो अब इसका रिफ्लेक्शंस देख पाओगे, लेकिन ये बहुत कम है. तो सिलेक्ट करेंगे मटेरियल पे जाएंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी को हम इंक्रीज करके 100% कर देंगे, और फिर इसका जो ग्लॉसीनेस है इसको जैसे हम थोड़ा डाउन करेंगे आप देख सकते हो कुछ हिस्सा ऐसे दिखेगा, कुछ हिस्सा ऐसे नहीं दिखेगा. सो लेट्स से उसको हम 75 कर देते हैं. अब ये वाटर रिफ्लेक्शन की तरह काम करेगा. ओके, इसके बाद आप जैसे आपको लगता है ये सही है, प्लेन का मॉडल जो है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप आउट करेंगे
पूरा बाहर, और यहाँ पे हम कर देंगे ग्रुप टू, क्योंकि हमको इसका इंडिविजुअल अलग से कंट्रोल्स चाहिए। ओके, बैक टू नॉर्मल मॉडल, और यहाँ पे जाके हम पहले इसका जो एनवायरमेंट है वो सिलेक्ट करेंगे। सो फिलहाल इसका एनवायरमेंट बाय डिफॉल्ट वाला है, तो हम यहाँ पे एलिमेंट 3D का जो बाय डिफॉल्ट मटेरियल के साथ एनवायरमेंट आता है पार्किंग वाला, मैं इसको यूज कर रहा हूँ क्योंकि कलर के साथ अच्छे से जाता है। ओके, फॉर मी दिस इज कम्प्लीटली डन, नाउ प्रेस ओके। सो यहाँ पे बेसिकली कॉम्प क्रिएट हो चुका है, अभी एक न्यू कैमरा को हम क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे 50mm ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा वाइड नहीं चाहिए, तो ओके पे कर देंगे क्लिक, सिलेक्ट करेंगे कैमरे को, और जैसे हम थोड़ा नीचे की तरफ पुश करेंगे आप देख सकते हो इसका रिफ्लेक्शन सी जो है यहाँ पे दिख रहा है। ओके, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे कैमरे को लेके इसका कंप्लीटली सेंटर पे, तो इसका जो मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड हो जो क्रिएट हो, तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये है मेरा मेन फाइनल फोकस पॉइंट। तो कैमरे पे कर देंगे थोड़ा बहुत एनिमेशन पहले, तो पी पे करेंगे क्लिक एंड देन शिफ्ट ए फॉर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों को सिलेक्ट नहीं करेंगे सिर्फ पोजीशन को करेंगे क्लिक। तो पहले इसके इनिशियल पोजीशन को हम एकदम लास्ट पे लेके चले जाएंगे कुछ ऐसे, और यहाँ पे इसका जो मेन पोजीशन है इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ ढकेल देंगे जस्ट लाइक दिस। तो ये अभी क्या होगा, आगे से ऐसे आएगा, ठीक है। अभी इसको सिलेक्ट एंड देन F9, और मेक श्योर इसका जो एनिमेशन है ये भी थोड़ा स्मूथ हो कुछ ऐसे। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे थोड़ा रोटेशन, तो हम यहाँ पे R प्रेस करेंगे तो अभी ओरिएंटेशन जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली दिस इज माय फाइनल आउटपुट का जो भी फाइनल रोटेशन है, तो ओरिएंटेशन पे करेंगे क्लिक, इसको भी हम ऑलमोस्ट यहाँ पे 1-2 seconds पहले ये रोटेशन जो है नॉर्मल हो जाना चाहिए, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे जस्ट कुछ ऐसा, तो ये रोटेट हो जाएगा कुछ ऐसे एंड एनिमेशन इज जस्ट लाइक दिस सिंपल। इसको भी सिलेक्ट करेंगे F9, यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा बहुत स्मूथन अप कर देंगे, इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे, एंड नाउ व्हेन यू प्ले दिस, दिस इज योर फाइनल स्टार्टिंग एनिमेशन। अभी हम थोड़ा कैमरा जग डाल देंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे शिफ्ट ए को क्लिक करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, ऑल्ट क्लिक एंड देन विगल एंड देन 2, देन लेट्स सी 5। नाउ अगर आप इसको प्ले करते हो यू कैन सी सम रियली गुड कैमरा हैंड जग, सो जो रियलिस्टिक मूवमेंट को जो है वो क्रिएट करने में आपको हेल्प करेगा। हमेशा कैमरा चार्ट डाला करो और उसके बाद मोशन ब्लर, सो आपका जो आउटपुट है बहुत ही अच्छा आएगा। अभी इसके बाद आएंगे हम टेक्स्ट एनिमेशन पे, तो पहले तो हम एलिमेंट 3D लेयर पे जाएंगे। यहाँ पे ग्रुप 1 पे है हमारा जो मेन टेक्स्ट लेयर, तो ऑब्वियसली इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा मेन इसका फोकस पॉइंट है, वेरी नाइस। इसको ज़्यादा ऊपर नहीं करते, थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ करते, दैट्स इट। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इस पे डालेंगे थोड़ा बहुत डिटेलिंग। तो पहले तो हम जाएंगे यहाँ पे इसका पार्टिकल लुक, यहाँ पे मल्टी ऑब्जेक्ट एंड देन सिलेक्ट मल्टी ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको मिलेगा नॉइज अमाउंट मल्टीपल, सो यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस पे आप इसको नॉइज डाल सकते हो। सो अगर आप इसको इंक्रीज डिक्रीज करते हो आप देख सकते हो ऑल द पार्ट्स आर इंडिविजुअली मूविंग। सो यहाँ पे अगर आप जी एक्सिस पे इसको मूव करते हो, सी ये जी एक्सिस पे भी इस हिसाब से मूवमेंट हो रहा है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका जो नॉइज का अमाउंट है मैं चाहता हूँ कुछ कुछ अमाउंट यहाँ पे जाके जो है नॉर्मल हो जाए, तो मैं इसको और एक्स एंड जेड को टर्न ऑन कर देता हूँ, और बैक में जाके एक्स को कर देता हूँ -5 और वाई एंड जेड को कर देते हैं -5.5 लाइक +5। तो अभी क्या होगा, थोड़ा प्लस और थोड़ा माइनस पे है, सो नाउ यू कैन सी ये थोड़ा एनिमेशन कुछ ऐसे लग रहा है। सो ये ऑलमोस्ट मेरा एनिमेशन जो है फाइनलाइज हो गया है। अभी इस पर हम थोड़ा स्मूथन अप कर देंगे, तो सिलेक्ट यू, अभी इसके पास ये आ गया है सिलेक्ट, और F9 को कर देंगे क्लिक। अभी इसमें थोड़ा वेरिएशन के लिए थोड़ा इसको की फ्रेम्स जो है वो थोड़ा आगे पीछे कर देंगे ताकि ये थोड़ा पहले और देन ये थोड़ा बाद में आए, वेरी नाइस। सिलेक्ट कर देंगे, इसके बाद आप चाहो तो सेम इसका भी आप ऐसे थोड़ा स्मूथन अप कर सकते हो ताकि झटके में ये बंद ना हो। ओके, इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा रोटेशन यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है वाई रोटेशन। अगर हम इसको रोटेट करते हैं देख सकते हैं लाइट जो है सामने की तरफ ऐसे रोटेट होकर आ रहा है। तो पहले तो अपना इनिशियल रोटेशन को हम कर देते हैं सेट, तो मेक श्योर यहाँ पे लेट्स सी इसका रोटेशन जो है थोड़ा नॉर्मल हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 180। तो ये हो गया यहाँ पे, तो ये मेरा फाइनल की फ्रेम नहीं है, ये मेरा जो इनिशियल की फ्रेम है, तो यहाँ पे इसको कर देंगे टर्न ऑन फर्स्ट फ्रेम पे, और कुछ कुछ यहाँ पे जाके इसे मैं कर देता हूँ 0, ठीक है। तो अभी आपका ये भी क्रिएट होगा। अभी मैं चाहता हूँ ये पार्टिकल्स तो स्टार्टिंग में ना दिखें, सडनली पॉपअप हो, तो पॉपअप इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम इसको साइज जो है इसको कर देंगे 0। तो ये अभी हो गया 0। सो पहले एक की फ्रेम डाल देंगे, यहाँ पे जाएंगे कुछ इतना की फ्रेम पे, तो पहले हम इसको कर देंगे 1.8, तो ये सडनली बड़ा साइज में दिखेगा आपको। देन थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ने पे मैं इसको कर दूंगा बैक टू नॉर्मल 1, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे अगर यू पे करेंगे क्लिक तो आप देख सकते हो ये की फ्रेम जो है यहाँ पे आ गया है। F9 क्लिक करेंगे आप पॉपअप इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए, सिलेक्ट करेंगे इसको, सिलेक्ट करके इधर की तरफ खींचेंगे और इसको इधर की तरफ, तो आपका जो पॉपअप इफेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, जैसा आप देख सकते हैं ये पॉपअप इफेक्ट जो है थोड़ा बहुत क्रिएट हो चुका है। ओके, ये तो हो गया हमारा काम फाइनल। अभी हम थोड़ा लाइटिंग पे करेंगे काम, सो राइट क्लिक न्यू लाइट, यहाँ पे है एम्बिएंट लाइट, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बहुत हल्का सा ब्लू इफेक्ट देता हूँ, ओके पे कर देता हूँ क्लिक, तो एक हल्का सा एम्बिएंट लाइट क्रिएट हो गया है। देन राइट क्लिक न्यू लाइट,
यहाँ पे हम लेंगे एक पैरेलल लाइट, लाइट के कलर को थोड़ा सा ब्लू टिंट देंगे कुछ ऐसे, एंड शेडोज जो है वो टर्न ऑन रहेगा। इंटेंसिटी थोड़ा हाई 142 समथिंग, तो ये अभी एक लाइट जो है वो क्रिएट हो गया है। ओके गाइज, इसके बाद हम थोड़ा इस पर रिफ्लेक्शन और एम्बिएंट ऑक्लूशन पे करेंगे काम। सो एलिमेंट सिटी को सिलेक्ट करेंगे, रेंडर सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ पे एम्बिएंट ऑक्लूशन को कर देंगे चेक ऑन, यहाँ पे रे ट्रेस मोड को कर देंगे टर्न ऑन, और यहाँ पे आता है शेडोज। चाहते हो तो शेडोज को टर्न ऑन कर सकते हो, बट जैसे आप रे ट्रेस को ऑन करोगे यू कैन सी इट्स लुक रियली अमेजिंग। ओके, हम क्या करेंगे अभी लाइटिंग पे जाके यहाँ पे कर देंगे इसको 360 लाइटिंग, तभी थोड़ा सा इसको ब्राइटन अप दिखोगे इसको। नाउ इसको कर देंगे फिट टू स्क्रीन। अब जैसे आपको लगता है कि यहाँ का सेटिंग्स कंप्लीटली हो चुका है, आप थोड़ा फिजिकल एनवायरनमेंट पे भी करेंगे काम, क्योंकि आई वांट द फिजिकल एनवायरनमेंट शुड बी लिटिल बिट रोटेटिंग। तो एनवायरनमेंट को ओपन करके रोटेशन पे जाके इसका जो वाई एक्सिस का रोटेशन है इसको पहले तो यहाँ पे टर्न ऑन करेंगे, लास्ट पे जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको 1। तो अभी क्या होगा आप देख सकते हो, हल्का सा यहाँ पे आपको रोटेशन लाइट इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि लिटरली बहुत कूल लगता है जब लाइट रोटेट होता है। नाउ इसको हम करेंगे कंट्रोल डी डुप्लीकेट, हम यहाँ पे थोड़ा ग्लो इफेक्ट को क्रिएट करेंगे, आउटपुट एंड देन कंपोजिट एंड देन इल्यूमिनेशन। तो अभी वी हैव दिस ओनली इल्यूमिनेटेड पार्ट्स, यहाँ पे हम जाएंगे टाइप करेंगे GLOW ग्लो एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप। आप देख सकते हो ग्लो इफेक्ट आ गया है। रेडियस को थोड़ा हाइट कर देंगे कुछ ऐसे, और इसको थोड़ा बहुत थ्रेशोल्ड्स को चेंज करेंगे। आप चाहो तो ह्यू एंड सैचुरेशंस को यूज कर सकते हो ग्लो का कलर को चेंज करने के लिए, मैं फिलहाल इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। इसके बाद इसको नॉर्मल से कर देंगे ऐड, जैसे आप ऐड करोगे यू कैन सी द ग्लो इफेक्ट कम्प्लीटली, सी टर्न इट ऑन टर्न इट बैक। डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए मैं यहाँ पे कैमरे पे जाता हूँ और कैमरे को अनलॉक करता हूँ, डबल क्लिक करते हैं कैमरे पे, डबल ए क्लिक करने पे आपको डिटेल्स दिखेगा। यहाँ पे ऑन कर देंगे डेप्थ ऑफ फील्ड को, जैसे आप बाय डिफॉल्ट ऑन करोगे यू कैन सी द शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव टू यूज द कलर करेक्शंस, एडजस्ट लेयर, राइट क्लिक, कलर करेक्शन कर्व्स। मैं पहले तो इसको थोड़ा सा हाइप कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे ब्लू इफेक्ट को थोड़ा सा ऐसे ऊपर और हल्का सा ऐसे नीचे। नाउ यू कैन सी लिटिल बिट ऑफ येलो इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो ऐसे ही आप थोड़ा बहुत एनिमेशन और लाइटिंग को यूज करो। मैं यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट आपको दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने पहले क्रिएट किया है, वहाँ पे मैंने थोड़ा ऐसे थोड़ा फॉग इफेक्ट, हल्का फुल्का जो ऑप्टिकल फ्लेयर्स वगैरह यहाँ पे यूज किया है मैंने, आप उसको भी क्रिएट कर सकते हो। देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, एक्जैक्टली सेम कॉम्प है बट थोड़ा ऑब्वियसली डिफरेंट होगा यहाँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आशा करता हूँ सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया हमारा कंटेंट ट्यूटोरियल एलिमेंट 2D टेक्स्ट एनिमेशन। और अगर पसंद आया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो योर फीडबैक। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले हफ्ते विद सम मोर अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए मैं रजत साइनिंग ऑफ।